अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कैटरिंग स्टाइल डोंडा फ्राई। इसके लिए मैं 1 किलो डोंडे लेके इसे वॉश करके ऐसे पीसेस में काट के रख लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून नमक। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम मिर्ची, नमक और धनिया पाउडर, हल्दी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, चिकपी फ्लावर, ग्राम फ्लोर, अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम। एक बार आप लोग मिर्ची नमक टेस्ट करके इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें रेड फूड कलर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है टोटली। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर। अब इसे फ्राई कर लेंगे। इसमें हम थोड़े से करी लीव्स भी ऐड कर देंगे। ऑयल हीट हो गया, अब हम इसमें डोंडे फ्राई कर लेंगे सब थोड़े थोड़े डाल के। इसमें हम डोंडे डाल दिए, हम इसे थोड़ी देर के बाद हिलाएंगे। अभी इसमें हिलाना इसको ऐसे हिलाएंगे, थोड़ी खुले खुले होते अभी लेंगे हम इसे। क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छे क्रिस्पी फ्राई हो गए, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हम एक प्लेट में निकाल लिए, ठंडे हुए बाद इसे डिश आउट करें। कैटरिंग स्टाइल डोंडा फ्राई बन के रेडी हो गया। ये अच्छे क्रिस्पी बने हैं। अगर आप लोगों को ये कैटरिंग स्टाइल डोंडा फ्राई पसंद आए तो लाइक, शेयर, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।